So today we are going to discuss about the mnemonics of anti-adrenergic drugs, and today we will discuss about the alpha-adrenergic blocking drugs. It is divided into two parts, non-equilibrium type and equilibrium type. देखिए हमारी life में equilibrium बहुत important होता है. हम कुछ भी करें उसमें equilibrium होना चाहिए. हम पढ़ाई भी करें तो equilibrium रह के पढ़ाई करें. हमारी body के लिए भी equilibrium बहुत ज़्यादा important है. अगर equilibrium नहीं होगा तो हमें बहुत सारी diseases हो सकती हैं. हमारा BP high होगा, हमारा sugar high होगा, उससे बहुत सारी diseases आती हैं. जब BP high होता है तो बहुत सारी डिजीज आती हैं. तो क्या करना है हमें, से नो टू बीपी. हाई बीपी हमें नहीं करना है अपना. नो बीपी. नो नॉन इक्विलिब्रियम टाइप, बी बीटा हेलो एल्कलामाइन, पी फिनॉक्सी बेंजीन, या फिर इसे याद करने का दूसरा भी तरीका है नो हेलो फोन. फोन वोन यूज़ करना छोड़ो, नो करो हेलो फोन पे, मतलब हेलो हाई ये सब करना बंद करो फोन पे. नाउ सेकंड पार्ट इज इक्विलिब्रियम टाइप. इट इज़ डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, नॉन सेलेक्टिव, नाउ अल्फ़ा वन सेलेक्टिव एंड अल्फ़ा टू सेलेक्टिव. फर्स्ट इज़ नॉन सेलेक्टिव. नॉन सेलेक्टिव को हम कैसे याद करेंगे कि एक अलका नाम की लड़की होती है जो कि इंजीनियर होती है. वो अपने भाई के पीटीएम में आई होती है. उसके भाई का नाम होता है टॉम. तो कहती है कि आई एम इंजीनियर अलका, उसकी टीचर से कहती है, क्लास टीचर से. तो उसकी क्लास टीचर रिप्लाई करती है, हाई इंजीनियर अलका, आई एम इंजीनियर अलका, हाई इंजीनियर अलका. या फिर इसको या इस चारों क्लब पार्ट को याद कर सकते हैं हैमी के फॉर्म में. देखिए कैसे, आई एमेडाजोलिन, एम मिसलिनियस, इंजीनियर अलका, एरगॉट एल्कोलाइड्स. यहाँ पे ई आर का मतलब एरगॉट है. हाई इंजीनियर अलका, हाइड्रोजनेटेड एरगॉट एल्कोलाइड्स. हैमी एच हाइड्रोजनेटेड एरगॉट एल्कोलाइड्स, ई एरगॉट एल्कोलाइड्स, एम मिसलिनियस, आई एमेडाजोलिन. अब सबसे पहले इसमें ये देखना है कि इस नॉन सेलेक्टिव के जितने भी ड्रग्स हैं सब में आई एन ई कॉमन है, ये याद रखना है. सबसे पहला है इमिडाजोलिन. तो अलका कहाँ आई होती है, पी टी एम में आई होती है. इस ड्रग्स का नाम याद करने के लिए आपको ये तीन वर्ड याद करने हैं, पी टी एम. अब इसमें से एक भी वर्ड गायब है तो मतलब समझिए आपने ड्रग्स गलत लिखा है. फिनो टोला माइन, फेन टोला माइन, पी फेन टी टोला एम माइन, फेन टोला माइन. मिसलिनियस, मिसलिनियस को याद करने के मिस क्लोर, एक क्लोर नाम की लड़की होती है. उसकी माँ जो होती है बहुत प्रो होती है, क्लास टीचर कोई झाड़ के चली आई होती है, बहुत ज़्यादा ही प्रो होती हैं. तो मिस क्लोर की जो माँ होती हैं बहुत प्रो माँ हैं वो. क्लो मिस फॉर मिसलिनियस और क्लोर प्रोमा, क्लोर प्रोमा जाइन. ओके, मिस फॉर मिसलिनियस. एरगॉट एल्कोलाइड, देखिए ये तो बहुत ईजी है. एरगॉट एल्कोलाइड में बस आपको एम और ऑक्स याद करना है, ठीक है. आई एन ई आप जानते हैं कि इस सारे ड्रग्स के लास्ट में कॉमन है. तो एरगॉट एरगॉट लिख दीजिए, एम ऑक्स, आई एन ई कॉमन है. और इस सेम हाइड्रोजनेटेड एरगॉट एल्कोलाइड्स में क्या है, डाई हाइड्रो एरगॉट लिखना है, फिर एम ऑक्स और आई एन ई कॉमन है. इसमें भी एम ऑक्स याद करना है, इसमें भी एम ऑक्स याद करना है. यहाँ पर एरगॉट लिखना है या डाई हाइड्रो एरगॉट लिखना है, बस इतना याद रखना है. ये खत्म हो गया. एंड अनदर इज़ अल्फ़ा वन सेलेक्टिव. तो उसकी क्लास टीचर टॉम की शिकायत कर रही होती है उसकी बहन अलका से कि ये पीटी नहीं करता है. तो अलका अपने भाई से कह रही है, डू ऑल पीटी. टॉम सुन ले, तू तुझे सारी पीटी करनी है. डू ऑल पीटी, टॉम सुन. डू डॉक्साजोसिन, ऑल अल्फोजोसिन, टॉम सुन. टैमजोसुलोसिन, पी पैराजोसिन, प्राजोसिन, टी तेराजोसिन. ओके, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे लिख गया है. एंड अनदर इज़ अल्फ़ा टू सेलेक्टिव. तो उसकी दीदी कह रही होती है कि यार तू अगर सारी पीटी करेगा तभी तो तू यो यो टाइप बनेगा, तभी तो तू जाके बाइंड होगा ना. तो उसको एज अ हिम रिफ़र कर रही होती है, तभी तो तू अच्छी टीम में जाके बाइंड होगा ना. यो हिम बाइंड, तभी तो जाके यो यो टाइप का हिम बाइंड होगा ना. यो हिम बाइंड. सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन टेल योर फ्रेंड एंड फैमिली अबाउट द कंटेनर, स्प्रेड द नॉलेज. हैप्पी ग्रोइंग, हैप्पी लर्निंग, हैप्पी लीडिंग.